हे गाइस एवरीवन, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी और मैं आज आया हूँ आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। क्या एग्जाम्स कंडक्ट होंगी, क्या जो जून में एग्जाम्स है फाउंडेशन की वो कंडक्ट होंगी, क्या फाइनल और इंटरमीडिएट की एग्जाम्स कंडक्ट होंगी, मैं उससे रिलेटेड आज आपके लिए इस सवाल का जवाब लेने आया हूँ, देने आया हूँ। अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो मैं आपको एक चीज बता दूँ, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी एग्जाम्स जुलाई में कंडक्ट हो जाए। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप लोग, आपकी एग्जाम्स जुलाई में कंडक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं। एज फार एज जून इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि जून में एग्जाम होंगी, क्योंकि आप जानते हो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी बेटा उन्होंने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है, जो पहले 24 मई तक था अब वो 7 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। मोर देन 32,000 केसेज वहाँ पे दिन के निकल रहे हैं, तो ऐसे इसमें उन्होंने ये स्टेप लिया। लेकिन एज फार एज माई सिटी इज कंसर्न, मैं नागपुर की बात करूँ तो कुछ दिन पहले यहाँ पे 6,000-7,000 केसेस निकल रहे थे दिन के, लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और यहाँ पे 1,000 से भी नीचे कम केसेस हमें देखने मिल रहे हैं। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, जब नवंबर में एग्जाम हुई थी, दिसंबर में जो कंडक्ट किया गया था अटेम्प्ट, और जो जनवरी में भी कंडक्ट हुआ था, दोनों समय भी कुछ इसी के आसपास केसेस निकल रहे थे, लेकिन तब वो समय भी इंस्टीट्यूट ने पेपर कंडक्ट किया था। तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी की हो सकता है कि जुलाई में अंडर कंट्रोल सिचुएशन आए करके। अब सर आप बोलोगे, सर हम तो सुन रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा, सुन रहे हैं ना, वही तो बात है, हम सुन रहे हैं करके, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अभी कुछ कहा कह नहीं सकते उसके बारे में। अगर केसेस अगर पता चलता है थर्ड वेव आती है, तो ऑब्वियसली बात है इंस्टीट्यूट उसको कंसिडरेशन में रख के एग्जाम को कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर जुलाई अगस्त की एग्जाम कैंसिल हो गई तो फिर उसके बाद सीधा नवंबर के अंदर मर्ज होंगी, अलग अलग सेपरेट एग्जाम नहीं लेंगी इंस्टीट्यूट सितंबर में एग्जाम लेके। आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूट फिर से नवंबर में पेपर ले? बिल्कुल भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करेंगे, सीधा मर्ज कर देंगे। लेकिन अगर मर्ज होता है तो आप ये भी तो सोचिए कितने सारे बच्चों को, इतने सारे बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, मतलब इतने सारे का अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट चाहेंगे कि एक एग्जाम वो अभी इसी समय कंडक्ट करवा ले, मतलब जुलाई वगैरह, जुलाई एंड में, ठीक है। तो इसका डिसीजन मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने 15th ऑफ जून तक दे देना चाहिए। वैसे फाउंडेशन वालों की एग्जाम अभी तक पोस्टपोन नहीं हुई है, लेकिन मैं कह दूं कि इंस्टीट्यूट मुझे लगता है ये एंड ऑफ द मे के अंदर दे ही देना चाहिए कि क्या है फाउंडेशन के एग्जाम्स का सीन, पोस्टपोन हो रहे हैं। जैसे फाइनल और इंटरमीडिएट वालों के लिए इंस्टीट्यूट बता चुकी है कि हमने एग्जाम को इनडेफिनेट टाइम के लिए हमने पोस्टपोन करके रखा है, 25 दिन पहले हम आपको इंटीमेट कर देंगे कि कब आपकी एग्जाम होने वाली है, राइट। तो ऐसा ही कुछ अगर फाउंडेशन वालों के लिए भी लाती है इंस्टीट्यूट, तो इट कैन बी अ बिग साई ऑफ रिलीफ हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत टेंशन में रहता है एग्जाम होंगी नहीं होंगी, उसे पढ़ने से ज्यादा टेंशन है कि एग्जाम होंगी कि नहीं होंगी करके, राइट। और मैं बच्चों समझता हूं कि यार हमारे आजू बाजू बहुत सारे अभी मतलब नेगेटिव एक एनवायरमेंट बन चुका है, बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत क्लोज रिलेटिव्स को खोया। मैं खुद पर्सनली इस चीज पे मतलब मेरे खुद के साथ हुआ है, तो मैं क्या बताऊं आपको, फोकस करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ट्रस्ट में गाइस आपको पढ़ना होगा, अभी आपको पढ़ना होगा, समझिए बात को, समय निकल जाएगा, बात रह जाएंगी, समय एक बार चले गया उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज पढ़िए, प्लीज फोकस कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए खुद का अच्छे से, कहीं बाहर बाहर मत जाइए, बिल्कुल कहीं घूमने घूमने मत जाइए, कुछ मत कीजिए इधर उधर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए बेटा। मैं जानता हूँ डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, सबके ऑलमोस्ट सबके घर में बेटा केसेस तो निकल ही रहे, क्योंकि इतना कोविड फैल चुका है तो केसेस तो डेफिनेटली निकल रहे हैं। और मतलब बहुत सारे घर के अंदर में बच्चों के भी मैसेज आते हैं, सर मेरे इतने क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई पे, कैसे करूँ बेटा? आपको करना होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, समझिए बात को, प्लीज फोकस कीजिए पढ़ाई के ऊपर, ये समय है पढ़ने का अभी, राइट। प्लीज फोकस कीजिए पढ़ाई के ऊपर, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। तो इंतजार करते हैं इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन का, क्या कहना है इंस्टीट्यूट का। मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ICIC कि जल्द से जल्द एक बार एटलीस्ट फाउंडेशन वालों के लिए, जो अभी तक हमने उनको डायलेमा में रखा है, अगर उनके बारे में अगर हम नोटिफिकेशन दे देते तो शायद बच्चों को साया ऑफ रिलीफ हो, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।